नमस्कार आप देख रहे हैं बजट इंडिया का मैं हूं संकेत उपाध्याय बजट पेश होने वाला है लेकिन उससे पहले आर्थिक सर्वेक्षण 2022-2023 प्रस्तुत हुआ ये उम्मीदों का बजट है इससे बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी उम्मीद लगाई है तो आइए सबसे पहले आपको बताएं कि जो इकोनॉमिक सर्वे होता है आर्थिक सर्वेक्षण दो हजार वो क्या कहता है दरअसल ये एक लेखा जोखा भी है और एक प्रोजेक्शन है कि आगे किस तरीके के खर्चे हो सकते हैं और किस तरीके से पैसा कमाया जा सकता है सरकार द्वारा तो यह सर्वेक्षण क्या कहता है वित्त वर्ष 2023 में अर्थव्यवस्था कोविड महामारी से पूरी तरह उभरी है 2023-2024 में जीडीपी विकास दर 6 से 6.8 दशमलव प्रतिशत रहने का अनुमान है यह रिपोर्ट कहती है मौजूदा वित्त वर्ष में जीडीपी विकास दर सात प्रतिशत रहने का अनुमान है पूंजीगत खर्च भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में प्रमुख है इस रिपोर्ट के हिसाब से अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले भारतीय रुपया बहुत बेहतर है इस रिपोर्ट के हिसाब से निर्माण क्षेत्र में पहल से आर्थिक विकास तेजी से बढ़ेगा रोजगार के नए मौकों में तेजी देखी गई है वाणिज्यिक बैंकों का कुल एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट सात साल में सबसे कम है इस रिपोर्ट के हिसाब से सामाजिक क्षेत्र पर खर्च वित्त वर्ष 2016 में 9.1 दशमलव एक लाख करोड़ से बढ़कर 2023 में 21.3 दशमलव तीन लाख करोड़ रुपए होगा 2023 में केंद्र और राज्य सरकार का स्वास्थ्य पर खर्च बजट का 2 2.1 दशमलव एक प्रतिशत होगा 2020-21 में कृषि में निजी निवेश 9.3 दशमलव तीन प्रतिशत तक बढ़ा यह जो आ, स्वास्थ्य पर खर्च की हम बात कर रहे हैं यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है क्योंकि स्वास्थ्य पर खर्च को लेकर के अक्सर बहुत सारे लोगों की टिप्पणी रहती है अप्रैल से जुलाई 2022-2023 में प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत ग्यारह करोड़ किसान जुड़े हैं भारत का ई कॉमर्स बाजार 2025 तक सालाना 18 प्रतिशत की दर से बढ़ेगा यह जो इकोनॉमिक सर्वे है उसकी रिपोर्ट है और उसका मानना है लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण संसद में पेश होने के बाद देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन ने एनडीटीवी इंडिया से क्या कहा है आइए आपको वो बताते हैं वो कहते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था कोरोना से पूरी तरह उभर चुकी है अब हमें अर्थव्यवस्था के अगले चरण पर फोकस करना है हालांकि उन्होंने एक खास बात यह भी कही कि छह प्रतिशत की आर्थिक विकास दर हासिल करने का विश्वास है लेकिन विकास दर के इससे नीचे जाने का खतरा ज्यादा है खुद खतरे के बारे में भी बता रहे हैं तीन दशमलव पांच प्रतिशत से ऊपर बढ़ने के मुकाबले छह प्रतिशत से नीचे गिरने की आशंका भी ज्यादा है उनसे बात की हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर मिश्र ने सर्वे लुक्स अहेड टू द मीडियम टर्म बिकॉज द पैंडेमिक रेस्पॉन्स एंड रिकवरी फेस इज ओवर इनफैक्ट चैप्टर वन द टाइटल स्टेट ऑफ द इकोनमी रिकवरी कंप्लीट एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी हैव बैंकिंग

Forecast hai, 2023. Ka. Iska kya hai? What is the basis? No, I mean, there is. Yeah, sure. No, I understand uh, that much. Uh, so, thank you for clarifying the question. Um, first of all, our economic growth rate this financial year is estimated to be 7%. NSO released the estimate a few weeks ago. So, the momentum in the economy is going to continue. Of course, although the third and the fourth quarter growth rates will be slightly lower, there is no. If you look at the historical patterns, there is no uh, 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 trend that if economic growth rate slows down in the third and the fourth quarter, it spills over into the first quarter of next year. That doesn't happen. So, overall, we are confident about the economy achieving a growth rate of around 6.5%, but downside risk is higher because currently industrial production, credit growth, private sector investment, Private consumption, all of them are growing at a reasonable rate and the trend will continue. Of course, any statement about economic growth is always subject to assumptions. Underlying assumptions is that commodity prices will not again go back up like we did in 2022. So, subject to these assumptions, our best guess is that the economy will grow at around 6.5% per annum in real terms next year with the range. of 6 to 6.8 which means the downside risk is slightly higher than going above 6 and 1/2%. So growing below 6 and 1/2% has a higher chance than growing above 6 and 1/2% in 23 24. इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ ने भी भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर सुनहरी भविष्यवाणी की है। आईएमएफ का कहना है कि भारत एक चमकता सितारा है। विकसित उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्था में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बाहरी प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद बढ़िया घरेलू मांग इस साल वैश्विक विकास में आधी हिस्सेदारी भारत और चीन की है वैश्विक विकास का अनुमान 2.7 प्रतिशत से बढ़कर 2.9 प्रतिशत हुआ है 2023 का विकास अनुमान अब भी 2022 के 3.4 प्रतिशत की तुलना में कम है चीन में हालात सुधरने से तेजी से रिकवरी का रास्ता साफ हुआ है आई की रिपोर्ट के अनुसार लेकिन आइए अब हिंदुस्तान की बात करते हैं और अलग अलग क्षेत्र इस बजट से क्या उम्मीद लगाए जैसे हमने बोला उम्मीदों का बजट है 2023 का बजट और 2024 के लिए मिशन तय तो नहीं करेगा क्योंकि यह आखिरी बजट है और इसके बाद फिर 24 के चुनाव होंगे तो आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 और बजट जो पेश होने जा रहा है उसमें कृषि क्षेत्र के बारे में क्या कहा जाता है आपको वो बताएं 2020-21 में कृषि में निजी निवेश प्रतिशत तक बढ़ा 2018 में फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य औसत उत्पादन लागत से डेढ़ गुना था 2021-22 में कृषि क्षेत्र को संस्थागत कर्ज जो इसका है वो बढ़कर 18.6 लाख करोड़ रुपए हुआ 2021-22 में भारत में खाद्यान्न उत्पादन बढ़कर इकतीस करोड़ टन हुआ भारतीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत 1 जनवरी 2030 से करीब इक्यासी करोड़ लोगों को एक साल तक मुफ्त अनाज है अप्रैल से जुलाई 2022-23 में प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 11.3 करोड़ किसान इसमें शामिल हैं। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलिट्स यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष में भारत सबसे आगे है ये इकोनॉमिक सर्वे ये सारी बातें सामने रखता है मैं आ, स्वागत करना चाहता हूं देवेंद्र शर्मा जी का कृषि अर्थशास्त्री हैं। देवेंद्र जी किसान हर बार बजट से नाराज रहते हैं इस बार किसानों को क्या उम्मीद क्योंकि ये बजट जो है ये फुल फ्लेज बजट जो है आखिरी फुल फ्लेज बजट है इलेक्शन से पहले तो बहुत अपेक्षा है या उम्मीदें हैं लोगों की कि भाई इस बार ये बजट जो है किसानों के अनुकूल होगा या उनको बिल्डअप करने के लिए बिल्डअप मतलब है कि उनको जो एग्रेरियन डिस्ट्रेस में वो आज जीवित हैं उससे बाहर निकालने के लिए इस बजट में एक शुरुआत होगी और एक प्रयास होगा जी बिल्कुल रविंद्र जी सरकार का क्या कहना है कि कृषि में निजी निवेश यह सरकार का कहना है नौ दशमलव तीन प्रतिशत बढ़ा है और साढ़े ग्यारह करोड़ किसान प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत आए हैं इस पर आपकी क्या राय देखिए बहुत स्पष्ट है कि जो पीएम किसान निधि योजना है जिसके तहत किसानों को साल का छह हजार रुपए मिलता है वो एक तरह का जो किसानों को नुकसान हुआ था उसकी हल्की सी भरपाई करने का प्रयास था क्योंकि किसानों को छह हजार रुपए के माध्यम से हर महीने पांच सौ रुपए मिलता है इतफाक से जो ये पांच सौ रुपए किसान को मिलता है जब हम इसको ऐड करते हैं तो ये तकरीबन सत्तर हजार करोड़ रुपए हो जाता है और बजट एग्रीकल्चर का डेढ़ लाख करोड़ रुपए है यानी उसमें से आधा तो किसान को पांच सौ रुपए ही सिर्फ जो सपोर्ट होती है उसको हम गिनते हैं कि बहुत बड़ी सपोर्ट किसानों को मिली है मेरा मानना है कि जो पिछले अभी दो साल पेंडेमिक के और उसके बाद भी हमने देखा कि एग्रीकल्चर वॉज दी ब्राइट स्पॉट ऑफ इंडियन इकोनॉमी तो एग्रीकल्चर में किसानों का इतना बड़ा योगदान रहा है या Uh, सारी अर्थव्यवस्था किसानों के कंधे पर टिकी रही है तो किसानों को हमें चाहिए कि वो छह हजार रुपए की जो सपोर्ट है उसको हम डबल कर दें या बारह हजार रुपए हम सालाना करें अब वो समय आ गया एक बात दूसरी बात यह है कि जब हम अक्सर कहते हैं कि किसान की जो इनकम है जो कि नेशनल जो स्टैटिस्टिकल सर्वे था उसके माध्यम से देखा जाए तो वो स्थस रुपए प्रतिदिन बनती है अगर हम सिर्फ खेती खेती को लें नॉन फार्म एक्टिविटीज को ना लें सत्ताईस तो रुपए से हम मानेंगे कि कोई भी व्यवसाय जो है वो नहीं चल सकता लेकिन हमें करना क्या चाहिए उसके लिए कैसे उसकी इनकम बढ़ाई जाए मुझे लगता है कि उसका एक तरीका है जो हमने शुगर इंडस्ट्री के लिए फॉलो किया है शुगर इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए कि उनको लॉस और ना बढ़े सरकार ने इकतीस रुपए का एक मिनिमम सेल प्राइस से नियुक्त किया है या फिक्स किया है यानी कि अगर आप शुगर मिल से जब भी चीनी खरीदेंगे आज आज के उसमें समय में तो आपको इकतीस रुपये से कम का वो रेट पे नहीं मिलेगा तो यही तो किसान मांग रहे हैं अगर हम शुगर मिल को बचाने के लिए हम एक मिनिमम सेल प्राइस दे सकते हैं तो एक, एक किसानों को बचाने के लिए हम एक मिनिमम सेल प्राइस के मिनिमम सपोर्ट प्राइस को कानूनी अधिकार क्यों नहीं बना सकते मेरा मतलब है कि क्या कारण है कि हमारे पास ये डबल सोच की या उस तरीके की नीति है कि इंडस्ट्री को तो बचाना है किसान को हमारे लगता है कि हमारी हेड नहीं है मुझे लगता है कि जब तक हम किसान तो एक अच्छा इनकम की सपोर्ट नहीं देंगे सारी देश की अर्थव्यवस्था जो है जिस गति से दौड़नी चाहिए मुझे नहीं लगता है वो दौड़ पाएगी तो सबका साथ सबका विकास का रास्ता जो है वो खेती से होके जाता है और खेती का मतलब है कि किसान की आय किस तरीके से बढ़े जी देवेंद्र जी दो में जो एन का सर्वे हुआ था उसमें पता चला था कि एक परिवार की कमाई सालाना औसतन साढ़े दस हजार रुपए थी उसमें कृषि से कमाई सिर्फ सत्ताईस रुपए थी तो किसानों की कमाई कैसे बढ़ा सकते हैं इसको लेकर के बात बहुत होती है कि आमदनी डबल कर देंगे होगी कैसे यही एक महत्वपूर्ण जो बात है कि अगर एनएसएस सर्वे ने 2019 में कहा था कि भाई खेती खेती से यानी नॉन फॉर्म एक्टिविटी को हम अगर ना जोड़ें तो किसान की इनकम जो है सत्ताईस रुपए प्रतिदिन है खेती से और मेरा तो ये मानना है कि भाई सिर्फ मजदूर से वो कम नहीं है वो बल्कि अगर आपके पास दो गाय है और आप गाय का पालन करते हैं तो दो गाय की इनकम से भी कम है किसान की इनकम तो ऐसे में इसको कैसे एक ऐसे सिस्टम पे लाया जाए कि किसान की आय एक रिस्पेक्टेबल लेवल पर आए मेरा मानना है कि जो हमने शुगर इंडस्ट्री को सपोर्ट दी है शुगर इंडस्ट्री जितनी भी हैं चार के आसपास शुगर मिल्स हैं देश में उनको बचाने के लिए सरकार ने यह किया है कि एक न्यूनतम मूल्य रखा है इकतीस से कम में आप चीनी नहीं खरीद सकते शुगर मिल से इकतीस रुपए प्रति किलो अगर हम ये शुगर मिल के लिए कर सकते हैं तो मेरा ये मानना है कि हम खेती में भी तो किसान वही मांग रहे हैं हम किसान को देने में क्यों हिचकिचाहट रख रहे हैं क्यों नहीं हम किसान को भी एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कानूनी अधिकार दें ताकि उसकी भी आय जो है उसी गति से बढ़े जिसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सबका साथ सबका विकास हो पाए तो ये इस चीज को एड्रेस करना कि रुपए से कैसे हम किसान की एक इनकम ऐसे या उसका लाइवलीहुड ऐसे लेवल पर लेके आए कि वो वायबल रहे उसके लिए हमें जो हम स्टेप्स इंडस्ट्री के लिए ले रहे हैं वैसा ही स्टेप हमें फार्मर्स के लिए भी लेना चाहिए जी एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता था देवेंद्र जी और वो है जब प्रदूषण की बात आती है तो ये कहा जाता है कि कृषि क्षेत्र से एक तिहाई प्रदूषण फैलता है जैसे पराली जलाने का मुद्दा आप जानते हैं पंजाब में बहुत बड़ा मुद्दा है तो इसे कम करने के लिए क्या किया जा सकता है आज दुनिया में एक ऐसा समीकरण बन चुका है या ऐसी एक अंडरस्टैंडिंग आ गई है कि अगर जिस क्लाइमेट इमरजेंसी में हम आज रह रहे हैं चाहे भारत हो चाहे दुनिया का कोई भी देश हो उसमें जो ग्रीन हाउस गैस अमिशंस हैं, जो अमिशंस हैं वो बेसिकली एक तिहाई जो है वो एग्रीकल्चर से आते हैं ये ग्लोबल अगर हम उसकी एवरेज देखते हैं तो एक तिहाई जो एनवायरमेंटल या क्लाइमेट चेंज के प्रति जो गैस इमिशन होते हैं जो उसको चेंज कर रहा है क्लाइमेट को वो एग्रीकल्चर से आते हैं यानी कि जो इंटेंसिव एग्रीकल्चर है जिसमें बहुत सारा केमिकल फर्टिलाइजर यूज होता है बहुत सारा पेस्टिसाइड यूज होता है बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स हैं वो उसका उपयोग होता है वो जो है उसके करके जो गैस हाउस गैस एमिशंस होते हैं मुझे लगता है कि उसको बदलना पड़ेगा उसके लिए हमें केमिकल फार्मिंग से नॉन केमिकल फार्मिंग की तरफ जाना पड़ेगा यानी कि हमें जो इंटेंसिव एग्रीकल्चर है उससे अब हटकर हमें आस्ते आस्ते या एक एक ऐसी स्पीड से हम उस तरफ जाएं एग्रो इकोलॉजी की तरफ जाएं ताकि हम अपने पर्यावरण का संतुलन मेंटेन कर सकें अब देखिए कि यूरोपियन यूनियन ने पहली जनवरी से जो कॉमन एग्रीकल्चर पॉलिसी लागू की है यूरोपियन यूनियन ने दो बिलियन यूरोज का प्रावधान किया है टू मूव फ्रॉम केमिकल एग्रीकल्चर टू नॉन केमिकल एग्रीकल्चर तो अगर यूरोपियन यूनियन इतना उसमें प्रोविजन कर सकता है बजट का एक टू मेक ए डेफिनेट डायरेक्शन देना एग्रीकल्चर को उस गैस एमिशन के चक्र भी उसे निकालने के लिए तो मुझे लगता है कि भारत का बजट भी उस तरफ जो है एक प्रेरणा दे किसानों को कि वो भी अपना केमिकल फार्मिंग से निकलकर नॉन केमिकल एग्रीकल्चर में या एग्रोकोलॉजिकल फार्मिंग की तरफ रास्ता बढ़ाएं और ये इसलिए भी जरूरी है कि हम सब जानते हैं कि वो सारे उसके सिवाय सिवाय अगर हम सोचे सिर्फ क्लाइमेट जो इमरजेंसी में हम है नहीं उसके साथ ह्यूमन हेल्थ के इम्पैक्ट जो है उसमें जो जो जमीन का पानी का जो दोहन हो रहा है जो सॉयल की जो हेल्थ है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है उस सब का समाधान जो है वो हमें केमिकल फार्मिंग से निकलकर नॉन केमिकल फार्मिंग में मिल सकता है तो अगर हम ये दो डायरेक्शन लेके चलते हैं कि एक किसान को एक गारंटेड इनकम और दूसरा हम एग्रो इकोलॉजी तो की तरफ बढ़ने का रास्ता मुझे लगता है कि हमने एक जो अमृतकाल का एक पीरियड है या उसमें हम अपेक्षा करते हैं कि एग्रीकल्चर जो है वो सेकेंड इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बन सकता है ये आपने एक जरूरी बात बोली है इसी वजह से हमने कृषि क्षेत्र से ही शुरुआत की इस कार्यक्रम की जान ले किसान के दिल में क्या है किसान का दर्द क्या है और बजट से उसको क्या उम्मीद देवेंद्र जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आइए अब बात करते हैं टैक्स की किसानों की बात कर ली अब बात की जाए मध्यम वर्ग की क्योंकि उम्मीदों के बजट में जो मध्यम वर्ग है उसको टैक्स स्लैब में बड़ी रुचि रहती है तो क्या होगा बजट में अब आपको बताते हैं कि अप्रैल से नवंबर 2023 में कलेक्शन बेहतर हुआ 2022 में माफ कीजिएगा पहले 8 महीनों में कलेक्शन पूर्व के इसी दौर के औसत से कहीं ज्यादा अप्रैल नवंबर 2022 तक कुल टैक्स राजस्व पिछले साल इसी दौर के मुकाबले 15.5 प्रतिशत ज्यादा हुआ बढ़ गया अब बात कर लेते हैं जीएसटी की तो डायरेक्ट टैक्स था यानी कि इनकम टैक्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स का क्या हाल है तो आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 कहता है कि औसत मासिक जीएसटी साल 2018 के शून्य लाख करोड़ से 2023 में एक दशमलव चार नौ लाख करोड़ रुपए हो गया है यानी कि इसमें एक वृद्धि आई है जीएसटी टैक्स चुकाने वाले 2017 में 70 लाख के मुकाबले 2022 में एक दशमलव चार करोड़ हुए अब आइए आपको यह भी बताते हैं कि कॉर्पोरेट टैक्स यानी कि जो बड़े बड़े सेठ उनका टैक्स उसके बारे में यह सर्वेक्षण क्या कहता है कि टैक्स कम किया गया था कॉरपोरेट टैक्स आपको याद हो अप्रैल से नवंबर 2022 में पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 21.1 दशमलव एक प्रतिशत कॉरपोरेट टैक्स बढ़ा है यह आपका सर्वेक्षण रिपोर्ट कहती है कुलदीप कुमार टैक्स एक्सपर्ट हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं कुलदीप जी क्या इस बार आम आदमी को टैक्स में कुछ राहत की उम्मीद है जैसे हर साल रहती है देखिए इस बार के बजट से जो आम आदमी की उम्मीद है उनको टैक्स राहत की उम्मीद है इस बार जो टैक्स की कलेक्शन है उनका जो एस्टिमेट्स था उससे ज़्यादा कलेक्शन हुआ है तो सबसे पहले जो बेसिक टैक्स एग्जम्पन लिमिट है उसको ढाई लाख से पाँच लाख तक किया जाए या जा एटी सी की जो लिमिट है जो कि आज की डेट में डेढ़ लाख है उसको बढ़ाकर दो लाख या दो लाख ढाई लाख किया जाए ऐसे जो लोगों की महंगाई की वजह से ई बढ़ गई है उसके लिए जो जो हाउसिंग लोन इंटरेस्ट की डिडक्शन है दो लाख से बढ़ाकर उसको ढाई से तीन लाख कर दिया जाए इसके अलावा अगर आप आप देखें कि दो साल पहले गवर्नमेंट ने नया न्यू टैक्स रिजीम को लेकर आए थे तो उसमें पाया कि उसके कोई इतने ज्यादा लोगों ने उसको सेलेक्ट नहीं किया है तो उसके क्योंकि उसमें जो जो न्यू टैक्स है उसमें करीब सेवेंटी ऐसी डिडक्शन एग्जामेशन है जिनका कि जिसको कि एक टैक्स पेयर को गिव अप करना चाहता है तो इसलिए न्यू टैक्स जीम है वो कोई ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है तो हो सकता है कि इस साल के बजट में न्यू टैक्स रिजीम को ओवर अट्रैक्टिव बनाया जाए जिसमें कुछ डिडक्शन जैसे कि स्टैंडर्ड डिडक्शन होगी या एच की या एलटी या एल की या ए सी वगैरह की ऐसी डिडक्शन को दे दिया जाए जिससे कि लोग टैक्स पेयर के हाथ में थोड़ा और पैसा जाएगा उनको महंगाई से लड़ने के लिए उनके पास पैसा पड़ेगा और थोड़ा हमारी को पुष्ट करने में भी इसमें मदद मिलेगी ये बताइए आप टैक्स लैब बढ़ाने की बात कर रहे हैं आ, क्या इससे सरकार को नुकसान नहीं होगा आ, क्या इससे सरकार की वेलफेयर स्कीम पर असर नहीं होगा क्योंकि अब ये हम सब जानते हैं ना कहा से ये स्कीमें चलेंगी टैक्स के दिए हुए पैसे से देखिए इस बार अगर आप देखें पिछले कुछ वर्षों से जो सरकार ने टेक्नोलॉजी का यूज किया है उसकी वजह से कंप्लायंस का लेवल बढ़ा है और अगर आप देखें करीब डेढ़ करोड़ के करीब लोग अभी आज की डेट में टैक्स पे करते हैं तो जो आप एक ही पॉकेट को इत, कितनी बार उसको आप पेनीट्रेट करेंगे तो उनको रिलीफ देना जरूरी है आप हर बार उनसे टैक्स के लिए आप उनके लिए बढ़ा नहीं सकते और ये बात भी ठीक है कि सरकार को रिवेन्यू चाहिए क्योंकि उन्होंने गरीबों की गरीबों को खाना देने का जो काम है या फार्मर्स को जो सब्सिडी दी है उसका प्रेशर गवर्नमेंट पे है लेकिन एक मिडिल क्लास को जिनको की आ, अगर आप टैक्स का स्लैब देखें दो हजार चौदह पंद्रह के बाद कभी आ, बदला नहीं है तो और अगर, अगर आप उससे दो साल पहले देखें सरकार ने जो कि इवन प्रोविडेंट फंड में भी जो पैसा किसी का जमा हो रहा है अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड एनपीएस और सुपरनेशन फंड में साढ़े लाख से ज्यादा का एम्प्लॉयर अगर कंट्रीब्यूट करते हैं उसको टैक्स के दायरे में ले आए इसके अलावा अगर इम्प्लॉई अपना पैसा प्रोविडेंट फंड में जमा करते हैं वो ढाई लाख से ज्यादा है उसके ऊपर जितना इंटरेस्ट होता है उसके ऊपर भी उनको टैक्स देना पड़ रहा है तो मेरे ख्याल से सरकार ने पिछले कुछ वर्षों और इसके अलावा जो कि पचास लाख से इनकम के ऊपर जो सरचार्ज लग गया तो मेरे ख्याल से जो सैलिड क्लास है उनके ऊपर हर तरफ से जो टैक्स की मार बड़ी ज्यादा है क्योंकि इस बार टैक्स की कलेक्शन बड़ी है तो सरकार के पास अब सारा इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी uh, का यूज करने की वजह से टैक्स का दायरा बढ़ा है टैक्स बेस बढ़ा है तो मेरे ख्याल से उनको टैक्स देना इस बार सरकार उनको खुश कर सकती है और इसके अलावा मुझे यह भी मैं एक बार और ऐड करना चाहूंगा कि क्योंकि अब सर अब सरकार के पास आपके गोल्ड के अलावा उनके पास सब कुछ है जैसे आप देखते हैं कि आपको जो रिटर्न फॉर्म दिया जाता है वो प्री फिल्ड फॉर्म में आ रहा है उसमें चाहे आपकी इनकम है डिविडेंड इनकम है इंटरेस्ट है या कैपिटल गेन की ट्रांजैक्शन है उनका विवरण भी पहले से उसमें उसको इंक्लूड कर दिया जाता है तो गोल्ड के अलावा उनके पास अब कुछ भी नहीं बचा जो कि शायद सरकार को मालूम नहीं है तो मेरे ख्याल से जो चाहिए जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए आइए अब बात करते हैं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम जो है एमएसएमई सेक्टर उसकी यह बहुत जरूरी सेक्टर होता है और उम्मीदों के बजट में एमएसएमई सेक्टर को क्या उम्मीदें हैं आप ये समझिए ये रीढ़ की हड्डी है अर्थव्यवस्था की यहीं सबसे ज्यादा जॉब जनरेट होंगी और यहीं सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो आर्थिक सर्वेक्षण क्या कहता है एमएसएमई की संख्या कोविड पूर्व के स्तर के नब्बे प्रतिशत पर पहुंची है सबसे ज्यादा चोट इसी सेक्टर को लगी थी जनवरी से नवंबर दो तक एमएसएमई को कर्ज तीस बढ़ा है जो लोन है वो बढ़ा है कुल निर्यात में एमएसएमई का हिस्सा घटकर 45 प्रतिशत हुआ है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में करीब करीब 55 प्रतिशत कारोबारी है और एमएसएमई के जरिए ये कारोबारी हैं। गवर्नमेंट के ई मार्केट प्लेस यानी जी का लक्ष्य सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता और तेजी लाना है मैं स्वागत करना चाहता हूं इस समय डॉ आलोक मिश्रा का आप सीईओ हैं एम फिन के माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर मिश्रा मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहता हूं देखिए बहुत सारे जो एमएसएमई सेक्टर हैं और माइक्रो फाइने माइक्रो इंडस्ट्रीज हैं एंटरप्राइजेज हैं उनको फाइनेंस की जरूरत पड़ती है उनको लोन की जरूरत पड़ती है और आ, इसको लेकर के सरकार ने एक बड़ी मुहिम भी चलाई थी कोविड के दौरान बहुत मोटा एक पैकेज भी लगाया था कि ये रीढ़ की हड्डी दोबारा खड़ी हो जाए आपका अनुभव क्या रहा है कि अभी कितना चोटिल है एमएसएमई और फंड्स को लेकर के क्या स्थिति है और क्या उम्मीदें हैं बजट से धन्यवाद संकेत जी देखिए आपने जो कहा कि कोविड की मार सबसे अधिक किसी सेक्टर को पड़ी थी वो एकदम सत्य है और रिकवरी हो रही है लेकिन अभी भी बहुत सी सहायता की उनको अपेक्षा है लेकिन कोविड के पहले भी अगर हम देखें तो जैसा आपने पहले ही अपने उसमें कहा कि Uh, प्रायतन 90 परसेंट जो एमएसएमई का कंपोजिशन है वो माइक्रो और माइक्रो से नीचे नैनो एंटरप्राइजेस का है और वहां पे अगर हम क्रेडिट गैप को सिर्फ क्रेडिट की बात करें वैसे तो एमएसएमई सेक्टर में कई चीजों की इश्यूज हैं स्किल्स का इशू है टेक्नोलॉजी का इशू है रिसीवेबल्स का इशू है टैक्स का इशू है बट अगर हम सिर्फ क्रेडिट गैप की बात करें तो ऑलमोस्ट किसी भी आप रिपोर्ट को देखेंगे तो उसमें कहा जाता है कि अराउंड माइक्रो नैनो एंटरप्राइजेस में अभी भी 60 से 70 परसेंट जो फाइनेंसिंग है वो स्वयं कहीं से अरेंज करके वो करते हैं इनफॉर्मल सोर्सेज से फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव से सो so, एक बड़ा क्रेडिट गैप वहां पे है और उसको करने के लिए कैसे उसको किया जाए गवर्नमेंट ने कई स्टेप्स लिए हैं जैसा कि आप जानते हैं मुद्रा का मुद्रा लॉन्च हुआ था कई सालों पहले छह सात साल हो गए हैं और क्रेडिट गारंटी स्कीम भी कोविड में दी थी लेकिन अभी बहुत काम करने की जरूरत है अब मैं आता हूं आपकी बात जब आपने कहा कि और आपकी बजट से क्या अपेक्षाएं हैं और क्या क्या करना चाहिए तो हमने बजट में तो बिकॉज हम फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस एनबीएफसी स्मॉल फाइनेंस बैंक बैंक्स के ही तो देखते हैं जो माइक्रो फाइनेंस करते हैं तो हमने तो क्रेडिट के बारे में ही रिक्वेस्ट किया है और मूलतः तीन प्रकार की रिक्वेस्ट है एक कि रीफाइनेंस की जो फैसिलिटी है वो कहीं सिडबी ऐसे डीएफआई में एक लार्ज कॉर्पस बना के रखी जाए ताकि जो बैंकों से लोन एनबीएफसी को जाता है और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि एनबीएफसी ही रिटेल लोन जो छोटे लोन होते हैं पैंतीस हजार पचास हजार पचहत्तर हजार एक लाख इसमें फीट ऑन द ग्राउंड चाहिए होता है ये एनबीएफसी का कॉस्ट स्ट्रक्चर ही कर सकता है और वो उसमें स्पेशलाइज भी हैं जैसे कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन तो उनके लिए एनबीएफसी एमएफआई को एक क्रेडिट लाइन बनी रहे इसके लिए बैंक से लोन मिलता है लेकिन उसमें स्थायित्व तो अक्सर नहीं रहता है कभी कम होता है कभी ज्यादा हो जाता है इकोनॉमिक साइकिल पे तो हमने कहा इसके लिए एक डेडिकेटेड री फैसिलिटी अगर सिडबी में बना दी जाए या नबार्ड भी कंसिडर किया जा सकता है तो उससे बहुत फायदा होगा दूसरा हमने कहा है कि जो कोविड पैंडेमिक में गवर्नमेंट ने क्रेडिट गारंटी स्कीम लाई थी उससे बहुत लाभ हुआ और उसमें क्रेडिट गारंटी अभी भी गवर्नमेंट ने गारंटी सॉबरीन गारंटी दी थी लेकिन उस गारंटी का एक भी पैसा इन्वोक नहीं हुआ मतलब पैसा एमपीए नहीं हुआ कि बैंक्स ने वापस गवर्नमेंट को बोला कि आप ये गारंटी कवर दीजिए तो अभी भी जब रिकवरी की जरूरत है सेक्टर में तो उस गारंटी स्कीम को थोड़ा इनलार्ज करके फिर से लगा देना चाहिए और तीसरा इक्विटी की बहुत प्रॉब्लम रहती है तो वो इक्विटी के लिए एनबीएफसी एमएफआई की इक्विटी के लिए हमने रिक्वेस्ट किया है कि गवर्नमेंट इंडिया माइक्रोफाइनेंस इक्विटी फंड का कॉर्पस बढ़ाए और उससे सैक्शन को जरा गति दे जी जी डॉक्टर मिश्रा बहुत बहुत धन्यवाद विस्तार से अपनी बात रखने के लिए आपका एमएसएमई सेक्टर को क्या चाहिए आ, उसके लिए आपने जो बताया आइए अब बात करते हैं नौकरी की नौकरी एक बहुत बड़ी चीज है अब अगर हम नौकरियों की बात करते हैं तो इसको लेकर के नौकरियां बढ़ाने के लिए और उद्योग जो हैं वो और नौकरी जनरेट करें वो कैसे करें वो तब करें अगर कुछ उनको कुछ ऐसी लाभ होता हुआ दिखे सरकार की ओर से तो आर्थिक सर्वेक्षण 2022 23 में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी कि पीएलआई का कुछ असर देखने को मिला यह आर्थिक सर्वेक्षण कहता है उम्मीद के बजट में रोजगार एक बड़ा मुद्दा है तीन दशमलव आठ पांच लाख करोड़ रुपए का उत्पादन और बिक्री रोजगार के तीन लाख नए मौके पैदा हुए ऐसा रिपोर्ट कहती है शहरी बेरोजगारी दर में कमी देखी गई है ईपीएफ में रजिस्ट्रेशन में तेजी आई है लेबर मार्केट कोविड पूर्व से बेहतर हुआ है और बेरोजगारी दर 2018-19 में 5.8 प्रतिशत के मुकाबले 2021 हजार में 4.2 प्रतिशत हुई है नई कंपनियों में सीधे नौकरी के मौके 36 प्रतिशत बढ़कर 2.69 लाख हुए हैं और पांच साल में स्टार्टअप्स में 9 लाख से ज्यादा नौकरियों के मौके भी मिले हैं लेकिन जो सर्वेक्षण नहीं बताता है वो ये है कि बहुत सारी नौकरियां जा भी रही हैं लगातार हम रिपोर्ट्स देख रहे हैं कि किस तरीके से ले हो रहे हैं और उसका भी असर पड़ता है एक अगले सेक्टर के बारे में बात करते हैं और उम्मीदों के बजट में वो है वाहन उद्योग मोटर वाहन उद्योग दो से दो के बीच घरेलू ईवी बाजार करीब करीब पचास प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है मतलब आठ साल में फिफ्टी परसेंट बढ़ जाएगा ईवी उस पर काफी जोर है 2030 तक सालाना एक करोड़ ईवी गाड़ियां उनकी बिक्री का अनुमान है 2036 तक ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल उद्योग पांच करोड़ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार देगा यानी कि इतना तगड़ा रोजगार यहां से निकल सकता है जीडीपी में मोटर वाहन उद्योग का योगदान सात दशमलव एक प्रतिशत है बहुत महत्वपूर्ण सनशाइन सेक्टर भी कहा जाता था इसको मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी में मोटर वाहन उद्योग का योगदान करीब करीब पचास प्रतिशत है बहुत बड़ा अब क्योंकि बात ईवी की हो रही है तो हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं सीईओ लोहिया ऑटो के आयुष लोहिया जी आपका बहुत बहुत स्वागत कोविड की वजह से पिछले दो तीन साल से ऑटो सेक्टर का विकास कम हुआ है इस बार बजट से आप क्या उम्मीद रखते हैं देखिए हमारी इस बजट से सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का फाइनेंस है उसे प्रायी लैंडिंग के अंदर इंक्लूड किया जाए वो हमारी एक सबसे बड़ी जरूरत है क्योंकि आज भी रिटेल फाइनेंस बहुत इजीली अवेलेबल नहीं है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए तो अगर हमारे को वो बेनिफिट मिलता है तो उसे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा इसमें कोई दो राय नहीं है दूसरा इस बजट से हम ये एंटीसिपेट करते हैं कि जो बैटरी के ऊपर जी एस है उसे भी कम किया जाए अभी लिथियम आयन बैटरी पर भी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए यूज़ होती हैं वो अट्ठारह की जीएसटी लगती है तो हमारी उम्मीद और हमारी इस बजट में ये एक्सपेक्टेशन है कि वो बजट में जीएसटी को भी अठारह परसेंट से घटा के पाँच परसेंट किया जाए तो ये हमारी सबसे अहम जरूरतें हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रोत्साहन देने के लिए ई गाड़ी लेने से पहले आदमी भयभीत इसलिए हो जाता है कि एक तो चार्ज कहाँ करें और दूसरा इतनी महंगी तो आपको लगता है कि इस बात को लेकर के सरकार को कुछ सोचना चाहिए कि बजट में कुछ हो इतनी महंगी होगी तो कौन लेगा आपने एकदम सही कहा आज की तारीख में अगर हम व्हीकल का प्राइस इंक्लूडिंग बैटरी कंपेयर करते हैं किसी भी इंजन वाले फ्यूल इंटरनल कम्बक्शन इंजन से तो उसके प्राइस डेफिनेटली ज्यादा रहते हैं लेकिन आपको साथ में यह ध्यान भी रखने की जरूरत है कि जो हमारा व्हीकल है इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसमें जो बैटरी की कीमत है एक तरीके से आप अगले पांच साल सात साल का फ्यूल अपने साथ ऑलरेडी खरीद रहे हैं जब गाड़ी खरीदते हैं तो उसकी वजह से ये कीमत जो है व्हीकल की ज्यादा हो जाती है और थोड़ा दो साल में अगर हम देखते हैं कि पिछले दो सालों में मटेरियल कॉस्ट मटीरियल एल्यूमिनियम हो मेटल हो उसमें भी काफी बढ़ोतरी हुई है जिसकी वजह से या लिथियम है जो एक रेयर मतलब बहुत कम जगह पे अभी उपलब्ध है उस हिसाब से उसकी कीमत काफी बढ़ी है इस वजह से पिछले दो से तीन साल में व्हीकल की कीमत जरूर बढ़ी है जो हमें लगता है आने वाले समय में क्योंकि अब प्रोडक्शनाइजेशन इंडिया में भी होना बैटरी का शुरू हो गया है और मेटल की कॉस्ट भी काफी कम हो गई है तो उस हिसाब से डाउन द दा लाइन हमें लगता है कि प्राइजेस वापस कम होंगे अच्छा ये तो एक बात हो गई लोहिया जी अब दूसरी बात करते हैं चार्जिंग मैं ईवी ले भी लू वो प्लग लेके कहा खड़ा रहूंगा तो चार्जिंग स्टेशन और उससे जुड़ी सुविधाएं अभी भी बहुत कम हैं इस वजह से लोग ईवी गाड़ियों से थोड़ा सा बचते हैं वो हाइब्रिड हाइब्रिड की ओर ज्यादा जा रहे हैं तो इस हिचक को दूर करने के लिए क्या किया जाए तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाए तो जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और थ्री व्हीलर सेगमेंट है उसमें बहुत ज्यादा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है आप होम चार्जिंग से भी व्हीकल आराम से चार्ज कर सकते हैं लेकिन अगर हम कार्स बसेस और इन सारे बड़े गाड़ियों की बात करते हैं तो वहां पर डेफिनेटली चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड है और गवर्नमेंट ऑलरेडी काफी प्रोत्साहन दे रहे हैं अगर हम देखते हैं अक्रॉस इंडिया अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग आ, सिटीज में आ, हाई चार्जिंग फास्ट चार्जिंग की सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं और मेरे को लगता है वो आने वाले समय में समय के साथ जैसे जैसे व्हीकल्स ऑन रोड बढ़ेंगे वैसे वैसे चार्जिंग की सुविधाएं भी जो फास्ट चार्जिंग की सुविधाएं वो रोड पे बढ़नी शुरू हो जाएंगी तो एक एक दूसरे से काफी हद तक लिंक्ड है जब हम बात करते हैं चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की लेकिन जो टू व्हीलर और थ्री व्हीलर है उसमें बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की हाँ एक चीज और भी ये है कि जो लोगों के मन में डर रहता है कहीं आग ना लग जाए बहरहाल तो वो सेफ्टी सिक्योरिटी भी एक मेजर कंसर्न रहता है लेकिन मैं आपसे एक ओवरऑल जो उद्योग है उससे संबंधित एक सवाल पूछना चाहता हूँ कोविड से पहले ऑटो सेक्टर जिस लेवल पर था उस पर पहुंचने के लिए आपके हिसाब से कितना समय लगेगा क्योंकि चिप शॉर्टेज भी हो गई और तमाम देखिए मेरे को लगता है एक हर एक कैटेगरी के हिसाब से कैटेगरी मूव करेगी अगर हम टू व्हीलर और थ्री व्हीलर देखें जैसे थ्री व्हीलर ऑलरेडी पाँच सात साल से काफी स्ट्रांग तरीके से आगे बढ़ रहा है और हमारे को लगता है अगले दो से तीन साल के अंदर इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर काफी मेजर शेयर ऑलरेडी फिफ्टी परसेंट से ज्यादा के जो व्हीकल्स हैं आज की तारीख में थ्री व्हीलर में इलेक्ट्रिक व्हीकल ने मार्केट शेयर ले लिया है हमें लगता है कि ये अगले दो से तीन साल में सेवेंटी एट्टी परसेंट मार्केट शेयर पर पहुंच जाएगा और अगर हम टू व्हीलर की बात करें टू व्हीलर अभी भी दो परसेंट पे ही है तो हमें लगता है आगे बाई ट्वेंटी थर्टी इट विल बी अ इन लीडिंग पोजिशन अगेन एंड एवरी न्यू व्हीकल जो भी नया गाड़ी थर्टी फोर्टी परसेंट जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल की होनी चाहिए तो आने वाला समय बहुत प्रोमिसिंग है और हमें लगता है कि कैटेगरी वाइज जैसे कार्स को आ, पूरी तरीके से सेल बढ़ने में अभी बहुत और ज्यादा समय लगेगा ट्वेंटी थर्टी के बाद होगा लेकिन टू व्हीलर और थ्री व्हीलर सबसे ऐसे प्रोडक्ट कैटेगरीज जो सबसे ज्यादा होंगे और बहुत जल्दी स्विच होगी पूरी इंडस्ट्री में बिल्कुल लोहिया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए तो इस कार्यक्रम में हमने जो करने का प्रयास किया है वो आपको बता दें कि एक एक करके जो सेक्टर्स हैं उसमें हमने बांटा और उस सेक्टर्स के जो विशेषज्ञ हैं उनसे हमने बात की कि उनको क्या उम्मीदें हैं इस बजट से उम्मीदों का बजट है चुनाव से पहले चुनाव से पहले आखिरी बजट अब से कुछ देर में पेश होगा तो किसान क्या उम्मीद रखते हैं एमएसएमई सेक्टर क्या उम्मीद रखता है आ, मध्यम वर्ग टैक्स के दृष्टिकोण से क्या उम्मीद रखता है जॉब्स सेक्टर में लोगों को क्या उम्मीदें हैं और आपका जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो क्या उम्मीद रखता है ये सब बात आपने जान ली एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं अभी हाजिर हैं तो ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है आइए जान लेते हैं कि एक बहुत जरूरी चीज होती है बजट से लोग उम्मीद भी लगाते हैं कि कुछ एक ऐसी चीज हो जाए जिससे नौकरियां बढ़ जाएं नौकरियों पर क्या जोर होगा और नौकरियों से संबंधित अगर बात करें तो कितनी बड़ी समस्या है कितनी विराट समस्या है देखिए ये प्रस्तुति लखनऊ में सिविल सर्विसेज के उम्मीदवार यहां अपनी पढ़ाई में जुटे हैं आने वाले बजट से इन्हें ये उम्मीद है कि वो इनके लिए अच्छे मौके लाएगा 24 साल के आदेश प्रताप यूपीएससी के उम्मीदवार है उनका सपना था सुरक्षा क्षेत्र में काम करने का लेकिन नौकरियों की कमी की वजह से उन्हें अपना सपना छोड़ना पड़ा देख रहा हूँ हर साल साल बर साल ये होता जा रहा है कि वैकेंसी जो है गवर्नमेंट जॉब के लिए वो कम होती जा रही हैं तो इसलिए हम लोग के छात्रों के मन में निराशा है सरकार को हमारी जो पद खाली पड़े हुए हैं जिन पर वैकेंसियाँ नहीं होती हैं जैसे कि हम देखें रेलवे अदर पी हो गए या फिर बाकी गवर्नमेंट पोस्ट हो गई तो उनमें सुधार करे जाए ताकि वैकेंसी ज्यादा से ज्यादा भर पाई जाए शहर के दूसरे हिस्से में एक छात्र हॉस्टल में रह रहे हैं 28 साल के आमेंद्र की भी यही कहानी है वो इंजीनियरिंग सेवा में होते अगर रेलवे क्षेत्र ने इंजीनियरों की नौकरियां वापस ना ली होती तीन चार लाख रुपए मतलब कोचिंग को फीस दिए और प्रिपरेशन की एक साल तक और फिर क्या हुआ कि वैकेंसी खत्म हो गई और रेलवे की तरफ कोई फोकस ही नहीं, नहीं तो हम लोगों थोड़ा घर पे आके बहुत बुरा लग रहा था कि पैसा भी चला गया और लॉकडाउन लग गया अब तो आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा था फिर हम जॉब ढूंढने लगे क्योंकि लॉकडाउन था तो ऑनलाइन ही ढूंढ रहे थे जॉब कहीं मिल जाए दो चार पाँच हजार की फिर हमने फ्री स्टार्ट की करना और फ्री करते रहे तो लॉकडाउन में फिर एक साल पूरा ऐसे ही चला गया लॉकडाउन में तो हम फ्रीलांसिंग करते गए और धीरे धीरे करके उसमें ग्रोथ की हमने मतलब तो सपना तो था कि बीटेक करने के बाद इसी सेक्टर में रहेंगे इंजीनियरिंग सर्विस में जाएंगे जब ओवरऑल उसकी वैकेंसी कंपेयर की तो ऑल ओवर इंडिया 20 से 30 वैकेंसी अभी भी जो आती हैं बीस है, से तीस वैकेंसी है मैकेनिकल से गवर्नमेंट से यही अपील होगी कि हम लोग डिफेंस के सेक्टर में और जो आप इसरो है इसमें ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि फ्यूचर यही है हम लोगों का जो हम नई टेक्नोलॉजी जितना ज्यादा हम टेक्निकल ग्राउंड में जितना ज्यादा हम आगे होंगे क्योंकि डिमांड सबसे ज्यादा फ्यूचर में टेक्निकल चीजों की रहेगी। सूत्रों का कहना है कि इस साल के बजट में जोर स्थाई नहीं बल्कि नौकरियों पर होगा। लेकिन नौजवान अस्थायी या गिग कर्मियों के तौर पर काम नहीं करना चाहते मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को इस समय पे फोकस करना चाहिए। क्योंकि उस लेवल पे नहीं है दे आर ट्रीटेड लाइक दे आर लेबर। मेरे हिसाब से कि हम लोगों को टेक्निकल सेक्टर में हाँ, थोड़ा ज्यादा जो भी करना चाहिए इन्वेस्ट करना चाहिए एक तरफ सरकार की चाह ये है कि यंग बिजनेसमैन और गिग वर्कर्स को लोन्स के थ्रू सपोर्ट किया जाए और दूसरी तरफ जो यंग प्रोफेशनल्स हैं उनकी ये मांग है कि इन्वेस्टमेंट टेक इनोवेशन में हो और नई जॉब्स क्रिएट करी जाए लखनऊ में अपने कैमरे सहयोगी विनीत के साथ वेदांत एनडीटीवी इंडिया